अशोक को इस बात का पता चल गया था कि कलिंग और विदिशा मिलकर मगध से बदला लेने के लिए स्वयंवर रूपी षड्यंत्र रच रहे हैं, और अशोक ने भी अपना तर्कश तैयार कर लिया था उनकी योजना का मुकाबला करने के लिए। अब ये तीर सीधा दिल पे लगेगा। तुम्हारे पास तो दिल है ही नहीं ना। जिनके पास दिल नहीं होता वही दिल पे वार करते हैं, दूसरों के दिल पर। जी नहीं, मुझे दिल पे वार करने वाला नहीं, दिल से प्यार करने वाला जीवन साथी चाहिए। इसका फैसला तुम्हारी भाभी करेगी। अरे वाह, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे भद्रक भैया ने स्वयंवर जीत ही लिया। ऐसा ही होगा। पता है कौरवकी, मैं बचपन से ही किसी राज्य की महारानी बनने का सपना देखती थी, और अब देखो मैं बनूंगी भी कलिंग की महारानी। कल से शायद हमारा रिश्ता बदल जाएगा, तुम सखी से मेरी भाभी बन जाओगी। चलो आज एक वादा करते हैं कि हम जीवन में कभी ये मित्रता नहीं तोड़ेंगे। वादा। मैं अभी आएगी। ये लो। ये क्या है? कलिंग का विशेष सिंदूर, जो एक बार मांग में लग जाए ना तो जल्दी नहीं मिटता। जैसे ही भद्रक भैया स्वयंवर जीतेंगे मैं भाग कर जाकर उन्हें दूंगी और कहूंगी भैया भर दीजिए मेरी देवी भाभी की मांग। ये सुशीम के लिए। पर महाराज उसे क्या पिलाया जा रहा है? ये तो लग रहा है मदिरा। ये शांत सांड जब मदिरा पिएगा उसके बाद ये दानव बन जाएगा। हमारा मस्तक झुकाने चला था ना, अब देखना कैसी भरी सभा में धूल चाटेगा जब ये सांड इसको धरती पर पटक पटक कर मारेगा। और महाराज ये सांड और इससे कौन? तुम। ये सांड तुम्हारे लिए भद्रक। ये एकमात्र ऐसा सांड है जिसे मदिरा नहीं बल्कि निद्रा की औषधि पिलाई गई है। महाराज। विदिशा में सभी राज्यों से आए हुए राजकुमारों का स्वागत है। आज विदिशा में व्यापारी देवसुख जी की कन्या कुमारी देवी के स्वयंवर में अपनी योग्यता दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। स्वयंवर में आए हुए सभी राजकुमारों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस समारोह में राजकुमारों की बल बुद्धि और साहस की परीक्षा होगी। और एक बात और, इस स्वयंवर में राजकुमार एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे बल्कि उन्हें एक एक सांड दिया जाएगा। जो भी राजकुमार उस सांड को जल्दी नियंत्रित कर लेगा या फिर उन पर अधिक देर तक सवारी करेगा या फिर उन्हें धरती पर गिरा देगा तो वो राजकुमार इस स्वयंवर का विजेता होगा। और उसके पश्चात हमारी पुत्री उस शूरवीर राजकुमार को वरमाला पहनाएगी। आइए महाराज। मुझे बहुत डर लग रहा है, भगवान करे भद्रक भैया ये स्वयंवर जीत जाए बस। राजकुमारी जी, आपको पता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका ये इतना अच्छा दिल। मतलब कहाँ जा रही हो कौरवकी? देवी के पास। वाह, तो मुझे भी मिलवाओ देवी से, तुम्हारी तो बचपन की सहेली है। जी नहीं, क्षत्रानियां नियम नहीं तोड़ा करती। यदि आपको मिलना है ना तो पहले स्वयंवर जीतिए ताकि उसका दिल भी जीत पाए। स्वयंवर तो तुम्हारा भाई जीतेगा और साथ ही साथ देवी का दिल भी। लगता है भद्रक भैया अभी से मोहित हो गए हैं देवी पे। चलो। तुम जानते नहीं हो मुझे। नहीं, लेकिन इतना अवश्य जानता हूँ जिस लड़की के हाथ में कट्टार है वो व्यापारी की पुत्री तो नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु हूँ, कलिंग की राजकुमारी। एक कदम आगे मत आना, यही तुम्हारे प्राण ले लूंगी। तुम्हारी तरफ बढ़ने के लिए अगर मुझे 100 बार भी मरना पड़े ना, मर जाऊंगा। और क्या कहा तुमने? शत्रु हो तुम मेरे। शत्रु इतना सुंदर हो तो पूरे संसार को अपना शत्रु बना लो। और सबसे पहले तो मैं तुम्हें तुम्हारा श्रृंगार करने वाले हाथों में पहली बार कट्टार देख रहा हूँ। सच में चोरियों से कहीं अधिक शोभा दे रही है ये कट्टार तुम्हें। अगर सैनिकों को बुला लिया ना तो जीवन भर कारागार में। तुम आओगी मेरे साथ उस कारागार में? मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम्हारे सैनिक नहीं पकड़ पाएंगे मुझे। तुम पकड़ना चाहो मुझे तो ठीक है, जीवन भर के लिए।
कोई घुसपैठिया घुस आया है। गौरव की घुसपेटिया आ गया। तुम कौन हो? तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा संसार, तुम्हारे सपनों का राजकुमार। देवी, कल रात को जो घुसपैठिया घुसाया था ना महल में, वो कितना अजीब और... हाँ पता है मुझे, उससे ज्यादा बुरा और उससे ज्यादा घिनौना आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। पकड़ लिया था कल मैंने उसे। मैंने भी, लेकिन वो एक क्षण, तुम किसकी बात कर रही हो? कौन हो तुम? अशोक, वही अशोक जिसके तीर ने एक चांद के कान का कुंडल चुरा लिया था। तो इसका मतलब मैं एक चोर से बात कर रही हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि हो सकता है जितना तुमने गवाया है उससे कहीं अधिक ये चोर तुम्हें लौटा देगा। मेरे बारे में तो सुना होगा ही, मगध का निर्वासित राजकुमार। हाँ सुना है, लेकिन जो कुछ भी सुना है सब कुछ बुरा ही सुना है। मेरी सहेली का कहना है कि तुमसे अधिक हिंसक और तुमसे अधिक क्रूर इस संसार में और कोई नहीं है। बहुत नफरत करती है वो तुमसे। जिसे किसी के प्यार से फर्क नहीं पड़ता उसे किसी की नफरत से क्या फर्क पड़ेगा? और वैसे भी नमवीरों का लक्ष्य कुछ और होता है। खुद को बहुत पीर समझते हो ना? क्यों, कोई संदेह? जिसने विदिशा के सैनिकों को अकेला मार गिराया फिर भी विदिशा में अकेला तुम्हारे सामने खड़ा है, उसकी वीरता पे संदेह? क्या चाहते हैं आप मुझसे? कुछ नहीं, सब कुछ। यही कि कल स्वयंवर में तुम मेरे गले में वरमाला डालो, फिर मैं पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में डालूंगा। बोलो उमा। उमा, एक बार उसका नाम बता दो, मैं और भद्रक भैया साथ मिलकर तुम्हारी सहायता करेंगे। वो मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है, शायद उसने किसी और राज्य का कहा था। भैया, क्या आपको पता है उमा किस लड़के के विषय में बात कर रही है? अभी तो मुझे बस इतना पता है कि पूरे विदिशा के सामने मेरा मजाक बन के रह गया, बस। ये उमा आज नहीं तो कल अपना मुंह अवश्य खोलेगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। क्या स्वयंवर अशोक ने जीत लिया? लेकिन कैसे? उसे तो वहां बुलाया नहीं था और उसने तो प्रतियोगिता में भाग तक नहीं लिया था। फिर देवी ने उसे वरमाला कैसे पहना दी? मेरे सुशीम का पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। वो तो दिल से चाहता था ये स्वयंवर जीतकर देवी को अपनी पत्नी बनाना।
इसे कहते हैं एक ही बाण से दो लक्ष्य भेदना। मगध की लाज भी बच गई और अशोक ने अपने अपमान का प्रतिशोध भी ले लिया। ये होता है वास्तविक मौर्य। चाणक्य नीति के अनुसार चलने वाला वास्तविक मौर्य।